उसने उलमा की तोहीन की, तो उसके साथ मौलाना का नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हजार रन बन जाएंगे। This is a nightmare. पता नहीं आंखें कब खुलेंगी। सिल्वर मेडल और 3 ब्रोंज हासिल के पाकिस्तान के लिए इतनी खुशी हुई, हमने कहा ये तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लोग चारों दिन पूरी छुट्टियां लेकर आते हैं। बारिश के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, बच्चों के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, मैं खुद भी वहां पे लेक्चर दूंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग तलहा, कैसे हैं आप? भी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको पहले तो बहुत बहुत जुमा मुबारक। जुमे के दिन सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म है, जो वाहिद अमल मुश्तरिक है हम में और हमारे रब अल्लाह सुबहान व तआला में। उस ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ का वर्द आज जरूर कीजिएगा। जुमे के दिन खासतौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुरूद शरीफ जब हम पे भेजते हैं तो वो खुद सुनते हैं ये बात, तो मेरी नजर में हर रोज सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं। कहा जाता है कि जुम्मे वाले दिन खास तौर पे जब आप दूसरे हुकुम है, खास पढ़े, तो इस दिन लाजमी पढ़े, पढ़ना तो हमेशा ही है, लेकिन इस दिन लाजमी ज्यादा से ज्यादा। तो क्या कोट ऑफ द डे लाएं आज? तो आज की अच्छी बात से स्टार्ट करेंगे हम, लेकिन एक शेर में इकबाल का अर्ज करना चाहूंगी यहाँ पे कि अपने किरदार पे डाल के पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर तुम ऐसा इंसान देखो जो सामने तो लोगों की तारीफ करे मगर पीठ पीछे बुराई करता हो, तो समझ जाना कि वो हसद की आग में जल रहा है। और जो हसद की आग का निशाना बन जाता है, बहुत जल्द वो उन नेमतों से भी महरूम हो जाता है जो उसके पास मौजूद होती हैं, क्योंकि हसद करने वाला हमेशा दूसरे की चीज़ों को देख के, दूसरे की कामयाबी को देख के हसद करता है, जलन महसूस करता है। वो अपने पास जो नेमतें अल्लाह की, उस पर सब्र शुक्र अदा नहीं करता। और तला आज के ज़माने में अगर हम ये देखें तो 100 में से 95% लोग ये हसद की आग में मुब्तला हैं, उनको खुद को पता ही नहीं है कि वो किसी से हसद कर रहे हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि इंसान को हमेशा सोच समझ के अपने अल्फाज, अपने कपड़े, अपने खाना, हर चीज़ सोच समझ के फैसला करना चाहिए, क्योंकि ज़माना ऐसा आ गया है कि जब बाप अपने बच्चों और बीवी के गले पे छुरी फेर सकता है। माली मुश्किलात ही कहेंगे उसे, क्योंकि यकीनन वो पैसे उनके पास नहीं थे देने को लोगों के, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। इसीलिए आप ज़्यादातर ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखते हैं कि मेहनत कर, हसद ना कर। तो मेहनत कीजिए। ज़बरदस्त, चलें जी नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। पंजाब की सियासत में कशमकश जारी, कब असेंबलियां तहलील करनी है, तारीख का ऐलान अगले हफ्ते आएगा। पीटीआई ने 20 मार्च से पहले पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने की ठान ली। खिलाड़ियों की सेंचुरियां, इंग्लैंड ने टेस्ट मैच की तारीख में एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया, एक ही दिन में 500 रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। इस्लामिया कॉलेज का मामला खटाई में पड़ने लगा, अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस इमारत खाली करवाने में नाकाम, तलबा तंजीमों की जानिब से अदालती फैसले को तालीम दुश्मनी करार दे रहे हैं। और गुलामी के खात्मे का आलमी दिन, दुनिया से गुलामी के खात्मे को कई बरस बीत गए लेकिन जदीद गुलामी अब भी राइज, हर एक हजार में 5 अफराद जदीद गुलामी में कैद, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में इंकशाफ, जनूबी एशिया में पाकिस्तान का पहला नंबर। हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं तला, बहुत अफसोस का, एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान पहले नंबर पे है। और जितने भी लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी माओं की गोद उजड़ी है, कितनी बहनों ने अपनी इज्जतें खोई हैं। अब फिजिकल गुलामी नहीं है, अब मेंटल गुलामी है, ज़हनी गुलामी है। हम ज़हनी तौर पर गुलाम बन गए, कहने को आज़ाद हैं, ज़हनी तौर पर हम आज़ाद नहीं हैं। इतनी परेशानियों में, टेंशनों में घिरे हुए हैं, हर किस्म का मसला हर इंसान को लाहक है कि वो अब जाहिर बात है। और ये भी याद रखिए कि हमें कितनी आदत है नौकरों की, हर शख्स जो मिडिल क्लास और अपर क्लास में रहता है उसके घर में 4-4, 5-5 नौकर होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपना काम खुद करो, आज भी अपना काम खुद करने को तैयार नहीं, पानी का गिलास लेने को तैयार नहीं, कहते हैं बाहर जाएंगे मुश्किल हो जाएगी, नौकर नहीं होते। इसलिए बीमारियों का भी हमारे साथ मसला है कि हम खुद चलना फिरना छोड़ देते हैं, इसलिए हम ढेरों बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं तला। और हम मेंटली तो हम
हम हैं शिकार के, हम गुलाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप आज ही मुल्क की सूरत हाल देख लें तो हम आज भी इंडायरेक्टली गुलाम ही हैं दूसरों के। ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉप ट्रेंड का जिक्र करते हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे पाक वर्सेस इंग्लैंड टॉप ट्रेंड बना हुआ है, क्योंकि ये बात सब कुछ तरीके से पता है। कल का जो मैच हुआ है, छक्के चौके लगातार, और उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम ने जो झम के धुलाई और पिटाई की है पाकिस्तानी टीम की, पाकिस्तानी बॉलर्स तो हक्का बक्का रह गए और देखते रह गए कि ये हो क्या रहा है। अब जरा सोचने की बात अलहा ये है कि बीमारी से उठे थे तो ये हाल था, अगर सही होते, हट्टे कट्टे फिट होते तो क्या हाल करते। पेट खराब उनका था, काम खराब हमारा कर दिया। यकीनन बड़े मसाइल पैदा हो गए, नए रिकॉर्ड्स कायम हो गए। क्रिकेट की दुनिया में जो छोटी मोटी इज्जत हमारी बची थी, फाइनल भी खेला था हमने इंग्लैंड के साथ, वो इज्जत तो अब खत्म हो गई। टॉप ट्रेंड्स भी यही हैं, टॉप ट्रेंड्स भी कुछ इसी हवाले से हैं वर्दा, आई एम श्योर। लेकिन देखिए फुटबॉल के कुछ ट्रेंड्स, बेल्जियम भी मुझे नजर आ रहा है। यकीनन कल बड़ा मैच था, बेल्जियम वर्सेस क्रोएशिया, जो 0-0 रहा। बेल्जियम के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन वो नहीं जीत सके और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। यकीनन ये बड़ा एक अपसेट था, वी वर एक्सपेक्टिंग बेल्जियम जैसी टीम, इसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, उसमें आप देख रहे थे हेनरी हैं, दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, लेकिन हैजार्ड भी थे, लेकिन कुछ खास काम ना कर पाए और वो जीत समेट ना सके, वर्ल्ड कप से आउट हो गए। हाँ, और उसके साथ रमीज राजा भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात क्लियरली कह दी है कि अगर हालिया बयान में उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान मैच खेलने के लिए नहीं आई तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया खेलने नहीं जाएगी। यार आप फिर क्रिकेट की बातें कर रही हैं, अभी तो 500 रन पड़े हैं, छोड़े ना क्रिकेट को। देखिए जर्मनी भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, ट्रेंड में है जर्मनी भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ये बड़ा सैड हुआ, जर्मनी जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी टीम समझी जा रही थी इन द लाइट्स ऑफ मुलर को, बड़े बहुत बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, और फिर भी हमने देखा कि वो अपनी टीम को नहीं वर्ल्ड कप में अगले राउंड तक पहुंचा सके, पहले राउंड में ही आउट हो गए हैं। लेकिन आपने रमीज राजा का जिक्र किया, रमीज राजा की तस्वीर भी चल रही है, तो मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि वसीम अकरम ने जो अपनी किताब लिखी है उसमें रमीज राजा के बारे में लिखा है कि उनको स्लिप की पोजीशन पर फील्डिंग इसलिए मिलती थी क्योंकि उनके डैडी कमिश्नर थे। तो अंदाज़ा कीजिए जो खिलाड़ी फील्डिंग के लिए भी अपने अब्बा की सोर्स लगवाता था, तो रमीज राजा की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़े सवाल या निशान हैं, क्योंकि जो 500 रन लगे हमारी क्रिकेट की बड़ी प्यारी सी टीम को, तो उसके बाद वाजे हो जाता है कि तब्दील पूरे सिस्टम में ऊपर से आनी चाहिए नीचे तक। ना कि सिर्फ नीचे वालों को तब्दील करो पर्ची के ऊपर, ऊपर वालों को तब्दील करो मेरिट के ऊपर। आगे चल के हम बात करेंगे शो में क्या तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन फिलहाल सियासत के मैदान में एक जबरदस्त तब्दीली आने का इम्कान है, क्योंकि सियासी मैदान में जबरदस्त उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, और पूरा इम्कान है कि इस वीकेंड के फौरी बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और आने वाला नया हफ्ता एक नया सियासी मैदान सजाने को तैयार होगा। कल शाम को वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान से इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई है। तला मुशावरत हो रही है, बेसिकली नेगोशिएशंस, क्या करना चाहिए, क्या फैसले करने चाहिए, इलेक्शंस अभी फौरन हमें चाहिए या फिर एक महीना इंतजार किया जाए। अरबों रुपए के ठेके हैं, डेवलपमेंट के काम हैं जो जारी हैं, जिनका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये वो वजूहात हैं। और साथ साथ मुनस इलाही साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया के ऊपर बैठकर कि उनको पिछले आर्मी चीफ ने कहा था कि वो पीटीआई की तरफ जाएं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी मुनस इलाही की तरफ से जो आई थी, मुझे लगता है आज इसके ऊपर उनके ट्विटर पर कोई वजाहत आ जाएगी थोड़ी देर के बाद। लेकिन वाजे हो रहा है कि पॉलिटिकल इस वक्त सिनारियो तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के ऊपर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि यकीनन पंजाब की हुकूमत कौन छोड़ना चाहेगा, कौन बोलेगा कि मुझे दो महीने पहले कुर्सी से उतार दो, कोई भी नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। जी असद कैसर साहब, बताइएगा कि जराए से पता चल रहा है, इत्तला मिल रही है हमें कि परवेज़ इलाही ने कल इमरान खान से मुलाकात की है पंजाब असम्बली की तहलील करने के हवाले से, और उस पर रजामंदी का भी इजहार किया है, तो आप तस्दीक करेंगे इस बात की? बिल्कुल, हमारी मेरे खुद जो है ना मुनस इलाही से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम एक मिनट भी जो है ना इंतजार नहीं करेंगे, जब खान कहेंगे हम बिल्कुल तहरीक करेंगे। तो उन्होंने पहले भी हमें कहा था, जब हमारे उसके साथ अलायंस हो रही थी तो उन्होंने अपने वादे का, जो उन्होंने वादा किया था उसको पक्का कर दिया है। जो उसकी कमिटमेंट थी वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, और हम इसके कैसर साहब पीटीआई कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते की आखिर तक असेंबलियां तोड़ दी जाएंगे, तस्दीक करेंगे आप? वो बस खान साहब डिसाइड करेंगे, कल हमारी मीटिंग है, हम उसके साथ पूरी
करेंगे, हम अपनी तजावीज भी देंगे और हम समझते हैं कि जो भी मुनासिब टाइम हो, हमने कल मीटिंग की थी जिसमें महमूद खान भी और प्रवेश खट्टर और शाह फरमान और दीगर जो हम चार पाँच सईद और दीगर भी जो चार पांच लोग थे सीनियर लोग मशावरत किए और हमने कैटेगरी के लिए डिसाइड किया है कि बस खान साहब जिस तरह जिस टाइम चाहेंगे हम अपनी सूबी जो है ना असम्बली को वो तोड़ देंगे। महमूद खान ने कैटेगरी ने कहा कि हम एक मिनट के लिए इंतजार नहीं करेंगे, तो हम पूरा मशवरा भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस वक्त कौन सा मूव हमने करना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स में जो 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 चीज़ें हो वो वेल कैलकुलेटेड हो और टाइम के मुताबिक हो ताकि आप अपने कार्ड से ही प्ले कर सकें। सही। अच्छा खान साहब ने आज फिर पार्टी रहनुमाओं को तलब किया है, मशावरत उन्होंने कहा है कि की जाएगी पार्टी के तमाम रहनुमाओं से, लेकिन आपकी जो अपोजिशन है जो मुखालिफिन पार्टी है उनका कोई फैसला, उन्होंने कहा है कि अगर आपने कुछ किया है तो अब तक कोई फैसला सामने क्यों नहीं आया, अब तक अमल हो जाना चाहिए था, ये मुशावरत क्यों चल रही है, और बहुत से लोग आपकी पार्टी पे जो है वो फेस स्विंग के इल्जाम भी लगा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए वक्त बता देगा ना, हम तो सिर्फ मुखालिफिन जो भी कहे हमें कोई परवाह नहीं है, हमने तो आपके कार्ड प्ले करने हैं और हम जो भी कार्ड प्ले करेंगे ना उसको हैरानी करेंगे, उसको सरप्राइज ही देंगे। तो लेट्स सी, टाइम आएगा, सब कुछ लोगों की एक्ट के सामने आ जाएगी। देखो हम तो सिंपल मुतालबा करते हैं कि इस वक्त एक कमजोर हुकूमत नहीं बल्कि हुकूमत दोहरे के बराबर है, मुल्क चलाया नहीं जा रहा, बल्कि इकोनॉमी जो है ना बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई, बल्कि बैठ रहा है, बल्कि कारोबार ठप होकर रह गया है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई और सब कुछ जोरों पे है, गवर्नेंस का कोई सिस्टम नहीं है। जरूरत इस बात की है कि फ्रेश में डेट दी जाए, नई लीडरशिप आए, नई लीडरशिप जो है ना फैसले करें कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। मैं बहुत अफसोस है कि इनके अंदर कोई एहसास नहीं है, उनको अगर एहसास थी तो अपने केसेस बचाने के लिए नैब की केसेस वो खत्म की, बाकी जो है ना अपनी जाती केसेस खत्म की, एनआरओ ले लिया और उसकी वजह से बस उसको सहूलत हो गई, मुल्क बाढ़ में जाए उसको कोई परवाह नहीं है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम तो इस मुल्क को बचाना है, ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। सही। और हम सियासत की नहीं करते, हम कहते हैं कि हमने इस मुल्क के लिए जो कुछ करना है और इमरान खान का जो तारीख रहा है हिस्ट्री रहा है उसने मुल्क को इज्जत दी है, उसने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप दिया है, शोकत खान में सुधार दिया है, नमक यूनिवर्सिटी दी है और एक अच्छा गवर्नेंस दिया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो हमारी स्ट्रगल है ये एक पाकिस्तान को नए पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहा है, कर्जम के पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहा है, और हमें ये भी उम्मीद है कि जो हमारी स्ट्रगल है दो असेंबलियां तहलील कर भी दी तो वफाक की हुकूमत तो रहेगी, तो दो सूबों में इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात तो नहीं होंगे? नहीं देखिए हम तो दो सूबों में इलेक्शन करवा देते ना, दो सूबों इलेक्शन हो जाएंगे, बाकी लेट जो भी हो लेट हो जाए किस तरफ भी हो तो दो सूबों में हमारी हुकूमत आ जाएगी, हमारी तो सहूलत हो जाएगी, क्योंकि जब आइंदा जनरल इलेक्शन होगा जिसमें कोई भी स्थिति का इलेक्शन होगा तो दो सुबह ही उसकी दो सुबह हुकूमतों में हमारी हुकूमतें होंगी ना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन कैसे साहब आपके मुखालिफिन का इल्ज़ाम है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में कई अराकीन ऐसे थे जो खान साहब के असम्बली तोड़ने के फैसले से मुत्तफिक नहीं थे, इसीलिए बुध के दिन एक इजलास में अरकान से पहले ही इस्तीफा लेने का फैसला हुआ था। नहीं ये तो उसके गलती नहीं है, कोई किसी ने भी ये एक एमपीए है जो हमसे दो ढाई साल पहले पीटीए से जा चुका है, उसके दिमित्र मसलाम के साथ जो है ना कम्युनिस्ट बल्कि हमने उसको निकाला है और हमने इसको जो है ना उसकी जो किरदार था वो उसी को हवाला दे की वजह से इन शाला कोई भी यानी इस वक्त तो पीटीआई की टिकट जो है ना ये तो कन्फर्म सीट है, ये तो गोल्डन कार्ड है, आपके पास होगी तो आप असेंबली में होगी, बाकी तो कोई पार्टी इस तरह नहीं है, तो कौन पागल होगा कि इस हालात में कुछ पीटीआई पॉपुलर है और इस दौरान जो है ना वो उसमें चला जाए, जैसे ये जो पार्टियां हैं जिसकी नाम निशान भी नहीं है, जिसके पास न पार्टी वर्कर रहे हैं न पार्टी रही है, सारे हो चुके हैं, सारे मिलकर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये कोई हैसियत नहीं रही है। बहरहाल ये इनकी गलतफहमी होगी, कोई नहीं जाएगा, सब कुछ ठीक होगा,
सारे मराहल के साथ खड़े। JUIFA के सरबराह फजल रहमान साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं, उनके मुतनाज बयान को? एक तो सिर्फ नहीं कि उसने उलमा की तोहीन की, उलमा हमारे लिए बहुत मुहतरम है, उसका एक करेक्टर होता है, वो जो है ना हमारे स्पिरिचुअल मजहबी लीडर होते हैं, और उन्होंने जो बयान दी ना, तो अभी तो इसके साथ मौलाना का नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई घटिया लेवल तक गिर चुका है, ये अपना जहनी लेवल जो खो चुका है, इसके पास कोई अखलाकियात नहीं रही है। मैं तमाम उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उससे डिस्टेंस करें, क्योंकि जिस तरह ये उलमा को बदनाम कर रहे हैं, जिस तरह उलमा की तस्दीक कर रहे हैं, उलमा ये जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। उलमा क्या कि आम आदमी भी ये जबान नहीं इस्तेमाल कर सकते, और खासकर जो हमारे पख्तून और पठान है, ये तो बिल्कुल इस किस्म की जबान की इज्जत नहीं देते। पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, दुनिया बोले का आप हिस्सा बने। सही जी, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ खेल के मैदान की। जिस तरह से रावलपिंडी में कल इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तानी टीम को पछाड़ दिया, एक धोबी पछाड़ दिया है तला, एक तरीके से यही बात कहेंगे। इस पे बात करने के लिए इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जी इकबाल जमील साहब ऐसा क्या हुआ है, 116 साल पुराना रिकॉर्ड या 12 साल पुराना, 112 साल पुराना इंग्लैंड की टीम ने बहुत तोड़ दिया है जी। तो इकबाल जमील साहब ये बताएं कि पहले ही दिन 4 सेंचुरियां दागी गई और उसके बाद इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई है, आज हजार रन बन जाएंगे इकबाल भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया इंग्लैंड की टीम ने बीमार होने के बावजूद, अगर वो आज हजार बनेंगे होते तो क्या होता? यार देखिए बात दरअसल ये है कि मतलब इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, जिस टाइप की आपकी बॉलिंग रही है, जिस अंदाज में आपने विकेटें बनाई हैं, तो वहां तो मैं नाइटमेयर होना था। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नाइटमेयर है, दिस इज अ नाइटमेयर। पता नहीं आंखें कब खुलेंगी, मेरे ख्याल में कभी नहीं खुलेंगी, मेरे ख्याल में ये होता रहेगा। मैं बोलर्स को नहीं कहता, बोलर्स को मैं कोई इल्जाम नहीं देता, मैं मैनेजमेंट को कहता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को, चेयरमैन सीधा सीधा सर जी, सीधा सीधा चेयरमैन का कसूर होना चाहिए सर, ही इज द लीडर और ऊपर से सफाई होनी चाहिए। और सारी बात यह कि वो कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वो इतनी अर्सी उन्होंने क्रिकेट खेली है, देखिए इनको आए हुए कितने दिन हो गए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। वो कहते हैं कि मैं ड्रॉप इन पिचेस लेके आऊंगा, इतने दिन हो गए यार, सवाल भी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ड्रॉप इन पिचेस कब आएंगी? मतलब ये इस विकेट के ऊपर कोई भी होगा, आप ये देख लीजिएगा कोई भी टीम होगी, मतलब इंग्लैंड ने आउटक्लास क्रिकेट खेली, बैस बॉल जो थी उन्होंने, मैंने उस दिन हमारी आपसे बात हुई थी पटेला, तो वी डिस्कस अबाउट दैट कि जनाब देखिए वो एक नई ब्रांड की क्रिकेट लेके आ रहे हैं। हाँ अभी तो शुक्र करें कि ब्रेस्टो नहीं आए, ब्रेस्टो 8 की एवरेज से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 8 की एवरेज से। ये तमाम जो सेंचुरीज है आपने तस्वीर में डाल के उनको दिए, और जिस अंदाज से इंग्लैंड प्लेयर्स ने कंडीशन को एक्सप्लॉइट किया, मतलब मुझे हैरत होती है कि हमारे प्लेयर्स को ये कहना चाहिए, एंडरसन ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जनाब एक एक्साइटमेंट मैच हो, एक हर मैच का रिजल्ट निकले, इसलिए कि लोग पैसे देके आते हैं देखने के लिए, उनको ये ख्याल है कि एक्साइटमेंट क्रिकेट दें, एक्साइटमेंट क्रिकेट तो दे दी, लेकिन हमारा तो उन्होंने नाइटमेयर कर दिया। एक ऐसा सर हिटलर को जिंदा कर ले किसी तरीके से दोबारा जी, हिटलर को किसी तरीके से दोबारा जिंदा कर सकते हैं एडोल्फ हिटलर को? भाई मेरे एक बात सुने, जिस अंदाज मतलब ये नहीं, देखिए इंसान के लिए ना थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म आदमी अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन माफ कीजिएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये तुर्रा इम्तियाज रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नहीं। वो समझते हैं कि बस वो अक्ल कुल है, अक्ल कुल है तलहा साहब वहाँ जो बैठे हुए हैं, जो क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट पर प्रोग्राम करते हैं, तो उनकी बात वाले छोड़ो यार, वो तो ऐसे बहुत सारे लोग बरबलते हैं, ये बातें होती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी डोंट केयर। देखें सारी बात यह है कि अगर आप में डेमोक्रेसी होती, अगर आप में क्रिटिसिज्म की बर्दाश्त करने का हौसला होता, या फिर आप मॉरल वैल्यूज को सामने रखते, तो अब तक 4-5 इस्तीफे आ जाने चाहिए थे। यही नहीं पता क्यूरेटर कौन है, आगा जाहिद साहब होते थे क्यूरेटर, पता नहीं अब वो कहाँ चले गए। इस टाइप की विकेट है, और ये वही रावलपिंडी की विकेट है जिसको डीमेरिट विकेट कहा गया था आज से 1 साल पहले, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ मैच हुआ था,
पांच दिन के अंदर 14 विकेटें गिरी थी। उन्होंने कहा था जनाब ये जो विकेट है इट इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट क्रिकेट, इट्स नॉट सुटेबल फॉर टेस्ट क्रिकेट, लेकिन हम नहीं माने, हमने वही खिला दिया। हाँ जनाब तो पॉजिटिव विकेट है, एटमोसफेयर अच्छा है, कंडीशन अच्छी है, या विकेट पे इतनी ग्रास नहीं थी। और मैं आपको ये बताऊं कमाल की इंग्लिश बैटिंग का कमाल बताऊं क्या था, एक भी जो चार आउट हुए उसके अलावा एक भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई चांस, उनको कोई चांस, उन्होंने कोई गलत शॉट नहीं खेला, क्योंकि जनाब गेंद स्विंग हो रही हो या स्पिन हो रही हो कोई भी गलत शॉट नहीं खेला। उन्होंने एक्यूरेट क्रिकेट खेली, उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट खेली। उनके कोच मकुलम जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं वो लाहौर कलंदर से खेल भी चुके हैं, उनको पता है। इकबाल भाई ये जुल्म करते हैं आप, सिर्फ अंग्रेजों की तारीफ करते हैं, यहाँ पाकिस्तानियों की तारीफ आप बहुत कम करते हैं। ये मुझे बताइए वसीम अकरम ने जो है ना अपनी किताब में लिखा था कि रमीज राजा को स्लिप पे फील्डिंग इसलिए मिलती थी कि उनके डैडी कमिश्नर थे, तो अंदाजा कीजिए ना सर कि जब वहां पर इतनी सिफारिश चल रही थी तो अभी कितनी चल रही होगी। देखिए ये तो मैं वसीम अकरम की बात है, अपनी किताब को बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वेरी सॉरी टू से, ये मैं ये आजादी पर्सनल बात नहीं कहूंगा। हाँ ये बात रिकॉर्ड पे जरूर है कि रमीज हसन राजा और वसीम हसन राजा जो इनके बड़े भाई थे, जबरदस्त क्रिकेटर थे वसीम हसन राजा, इनके फादर डिप्टी कमिश्नर थे, बिल्कुल थे, लेकिन जब इनका कहीं ट्रांसफर होता था तो वो जरूर पूछते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि क्या वहाँ कोई टफ विकेट है, इसलिए कि उस जमाने में सीमेंट विकेट खेली मैचेस बहुत होते थे, तो जब वो कहते थे जब टफ विकेट होती थी तो वो कहते थे ठीक है मैं अपनी पोस्टिंग लूंगा। जहां तक पर्ची की बात है रमीज राजा में पोटेंशियल तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे क्रिकेटर हो तो अच्छे मैनेजमेंट भी होंगे, लेकिन इस 2-2.5 साल के अंदर एक टैलेंट मुझे बता दे, एक तला साहबा या आप मुझे एक टैलेंट, आप टैलेंट लेके आए मोहम्मद अली को, मतलब ऐसे तो 500 बॉलर है पाकिस्तान। जमील साहब आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है लेकिन उसकी कदर नहीं है, सही तरीके से सही टाइम पे उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया जाता, यहाँ पे करना चाहिए। ये बात सुन के मेरे सुन के मेरे कान पक गए हैं कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, कर कदर नहीं है टैलेंट, ये मेरे कान पक गए हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब ये देख के हमारे आंखें पक गई है। फॉर गॉड से ये खत्म कर दे, टैलेंट नहीं है आपके पास, टैलेंट टैलेंट होता तो मोहम्मद अली आता, कादियान ट्रॉफी में कहते हैं उसे 50 विकेट लिए, ये 50 विकेट हैं भाई, आप इंटरनेशनल इंग्लैंड से खेल रहे हैं, ना सिलेक्शन का फुकदान है, सही सिलेक्शन नहीं हो रही, सही टाइम पे लोगों को खिलाया नहीं जा रहा जिसको खिलाना चाहिए भाई। ये बताइए ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये इसमें थक चुके हैं क्वेश्चन, कोई सेलेक्टर जो है कोई भी सिलेक्शन है, मैं आपको बताऊं ये जाहिद को यहाँ जो खिलाया गया, मोहम्मद अली को यहाँ खिलाया क्यों गया है पता है, इसलिए खिलाया गया इनके इनके टेस्ट कैरियर को खत्म करते हैं, ये अब वापिस नहीं आते, जिस तरीके के मार पड़ी है बेचारा, वो अच्छा खासा बॉलर है, दादू से ताल्लुक रखता है जाहिद, अच्छा खासा लेफ्ट आर्म बॉलर है। इकबाल भाई ये प्रॉब्लम है, ये आपने आखिर में सब कुछ बोल दिया, यू डिडंट से एनीथिंग इन पर्टिकुलर बट यू सेड इट रियली वेल के दादू से ताल्लुक रखता है, देखा ये क्या है कि क्रिकेट से जो खिलाड़ी सिंध से ताल्लुक रखते हैं उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, आपने अपना कीमत दिया, अल्लाह करे कि हमारे क्रिकेट की जो मैनेजमेंट पीसीबी की रमीज राजा को होश आ जाए, अगर थोड़ी बहुत गहरत होगी तो वैसे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता होगी। ब्रेक लेते हैं, लोगों को पैम्पर्ड करना छोड़ दें, ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। इससे पहले कि हम कुछ खिलाड़ियों का जिक्र करें, आज मुझे भी प्रोड्यूसर साहब से खबर मिली है कि हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट शामिल हुआ है जिसका नाम है वर्दा के टोटके, अपनी तरफ से, यानी अभी हमें खबर आई है वर्दा के टोटके, आज से वर्दा में टोटके देंगी, थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम में आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जनाब 6th साउथ एशियन कैडेट जूनियर कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 7 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने सिर्फ 7 गोल्ड मेडल समेत 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स भी अपने नाम किए हैं तला, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रिपोर्ट देखिए फिर मुलाकात भी, रिपोर्ट नहीं है राइट, रिपोर्ट नहीं है, बीच रस्ते से गायब हो गई है, तो मुलाकात करते हैं खिलाड़ियों से डायरेक्टली। हमारे साथ हैं वहीदुल्ला, महागुल हजारा और सबीरा गुल, आप तीनों का हम बड़े मशहूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाले हमारे स्टूडियो में आके बैठे हैं। पहले वहीदुल्ला से पूछ लेते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी होता है? रहीम,
सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बॉल न्यूज़ का जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था जहाँ हमें फर्स्ट गोल्ड हासिल किया है टीम खाता में, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कोचिज़ का, अपने डिपार्टमेंट का और अपने फेडरेशन का, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का। थैंक यू। वेरी गुड। अच्छा जी, और उसके बाद है महगुल हजारा। महगुल हजारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महगुल, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरनेशनल लेवल पे? आप खेल के आई, वहाँ गई, क्या फ़र्क महसूस किया? आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे उनके साथ कैसा रहा आपका मुकाबला? सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बॉल न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये मेरा फ़र्स्ट इंटरनेशनल टूर था जिसमें मैंने -61 किलोग्राम में सीनियर कैटेगरी में मैंने गोल्ड मेडल हासिल की, जिसमें मैंने फाइनल इंडिया को हराया था। वाओ। और ये बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने कोचिज़ का, सर इम्तियाज़, अपने उस्ताद मोहतरम सेंसी गुलाम अली हज़ारा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हीं की मेहनत की वजह से हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा महगुल, ये बताएं कि जब ओपोनेंट आपका भारत से कोई होता है, इंडिया से कोई आपका होता है, जिसको आपको हराना होता है और जीतना होता है, तो कितना प्रेशर होता है आप पे? क्योंकि क्रिकेट में तो हम देखते हैं कि सब जो है वो दांतों तले उंगलियाँ दबा के बैठे हुए होते हैं, तो आप पे भी प्रेशर था? प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, और जब मैंने इंडिया को बीट किया और खुशी भी इंतहाई थी। गुड। सबीरा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा मुकाबले में हिस्सा लेकर, मेडल जीतकर, सब जलाली परचम लहराकर? सबीरा गुल, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। वालेकुम अस्सलाम, और थैंक यू सो मच बॉल न्यूज़ का जिन्होंने हमें यहाँ इन्वाइट किया। और मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा सेकेंड टूर था, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल 13 साउथ एशियन गेम्स, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गेम्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, फिर मैंने उस गेम्स में मैंने गोल्ड और ब्रॉन्ज हासिल की थी पाकिस्तान के लिए सेफ गेम्स, और ये मेरी सेकंड टूर थी इंटरनेशनल 6 साउथ एशियन चैम्पियनशिप, और ये मेरा सेकंड टूर भी बहुत अच्छा गुजरा, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसमें, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज हासिल किए पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैम दुआगो हैं कि इस तरीके से हम अपने हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें और सब हलाली परचम पूरी दुनिया में लहराएं। आगे कौन सी फाइट की तैयारी है, अगला कोई प्लान है आपका नेक्स्ट? अभी तैयारी तो एशियन गेम्स के लिए है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। सबीरा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। एसोसिएशन से सपोर्ट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से सपोर्ट, पाकिस्तान की हुकूमत से कोई सपोर्ट आपको मिली या अपनी मदद आपके तहत? पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने बहुत सपोर्ट की, और हमारी आर्मी डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की। अभी हम यहाँ जिस लेवल पर हैं उन्हीं की वजह से है, हमारे कोचेस की वजह से जिन्होंने हमारे ऊपर इतनी मेहनत की, और हमारी स्पेशली हमारे टीचर सेंसी गुलाम अली हज़ारा जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, और सबसे पहले तो सर इम्तियाज़ जो जिन्होंने हमें हमारे हमेशा ख्याल रखते और केयरिंग ज़्यादा करते और ट्रेनिंग फोकस उन्हीं की वजह से भी हम यहाँ हैं। राइट, सेंसे गुलाम अली हज़ारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम भी अदा करेंगे, आर्मी डिपार्टमेंट का, फौज का हमेशा हम शुक्रिया अदा करते हैं, और कराटे एसोसिएशन फेडरेशन का भी जिन्होंने उनका आपको सपोर्ट किया। आप तीनों खिलाड़ियों का, वहीदुल्ला, महगुल, सबीरा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। उम्मीद करते हैं कि आप आएँ मुकाबलों में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, मेडल्स जीत कर आएँ, और आपको सपोर्ट हम भरपूर हमेशा करते रहे इंशाल्लाह। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसा कि इंट्रो में हमने जिक्र किया था कि आज भी हम जदीद गुलामी का खात्मा नहीं कर सके, आज भी पाकिस्तान गुलामी मुब्तला है। वो कैसे कि एक सर्वे से साबित हुआ है कि आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि गुलामी का पूरी तरह से खात्मा अब भी एक ख्वाब है।
इंसान आज भी जदीद गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 5 करोड़ अफराद जदीद गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हर 1,000 में से 5 अफराद जदीद गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। दरअसल आलमी इदारे दुनिया भर में जारी इंसानी एक सर्वे मजदूरी, कर्ज चुकाने के लिए खिदमत या फिर जबरी खिदमत के एवज, शादी और कारोबार या फिर जिंसी इस्तेहसाल को जदीद गुलामी करार दे रहे हैं, जिसके जिक्र हमने स्टार्ट में भी किया था ताला कि शायद हम मेंटली ख़ुद आज़ाद नहीं होना चाह रहे इन चीज़ों से। हम किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हों या फिर फार्म्स पे काम करने वाले लोग हों, फिशरमैन हों, हर शोबे में जो भी लोग हैं चाहे मर्द हो ख्वातीन हो, इसमें वो सब शामिल हैं। बेशक गुलामी से जो हज़रत इंसान को आज़ादी मिली वो नबी करीम आका दो जहां रहमतुल आलमीन वजह तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम की वजह से मिली, लेकिन क्योंकि हम अपने दीन से दूर हो गए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हो गए, तो फिर हम गुलामी के दलदल में वापस फंसते चले गए। गुलामी सिर्फ फिजिकल गुलामी नहीं होती है, सरहदों की गुलामी नहीं होती है, किसी दुश्मन मुल्क की गुलामी नहीं होती है, ये जो हम जहनी गुलामी का शिकार हैं, जैसे कि हम क्रिकेट की जहनी गुलामी करते हैं, किसी और खेल की बात ही नहीं करते हैं, हम दुनिया की जहनी गुलामी करते हैं, हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, हम सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, आखिरत के पीछे नहीं भागते हैं। अगर आखिरत के पीछे भागेंगे, आका की सुन्नतों पर चलेंगे, यकीन कीजिए गुलामी की सारी बेड़ियां आप तोड़ देंगे। बेशक अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करेंगे एक शेर से स्टार्ट करूंगी कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जबां आते आते। कराची आर्ट काउंसिल में इस वक्त हमारी कौमी ज़बान उर्दू के हवाले से चंद रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है और ये 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ हो गया था और आज उसका दूसरा दिन है। इफ्तिताही सेशन जो है वो कल हुआ था, उसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आला चंद मुराद अली शाह थे। हमारे नुमाइंदे राजा इमरान वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। तला बिफोर वी गो टू राजा इमरान, आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट टू अहमद शाह साहब और ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट से हमारे साथ एजाज फारूकी साहब भी हैं। अब बहुत अच्छा काम हो रहा है क्योंकि उर्दू को जिंदा रखने की ज़रूरत है। वक्त के साथ लश्करी जुबान जरूर है पर इसको लश्कर में इतना रगड़ दिया गया है कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे मेरी भी उर्दू वर्दा बिल्कुल फारिग थी, फिर इत्तेफाक से एक समा में मैं काम करता था तो उन्होंने नापा भेजा था और वहाँ ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने मैं वोकल्स एंड डिक्शन की क्लास दी थी। आज तक मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ और उस क्लास की नज़र एक टंग ट्विस्टर आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ आप इसको याद कर पाएंगे, बोल पाएंगे कि नहीं। कसम किसी कबीले के कराइन की किलकारी, कसम किसी कबीले के कराइन की किलकारी, किलकारी किलकारी अंदर से निकाले। हाँ चलें जी, नुमाइंदे से बात करते हैं कि मैं भी क्रेडिट दूंगी कि मेरी भी उर्दू जो पीटी पे जाके राजा इमरान अच्छी हुई थी, ये बात हकीकत है। बताइए राजा, क्या डिटेल्स हैं आज की? जी बिल्कुल, उर्दू आलमी 15वीं आलमी कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ जो है वो कल हो गया था, आज दूसरा रोज़ है और मुख्तलिफ सेशन इस हवाले से किए जाएंगे क्योंकि अदब के हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो हैं प्रोग्राम्स किए जाते हैं और आज इस हवाले से जो है ना सिर्फ उर्दू के हवाले से जो है यहाँ पर प्रोग्राम है बल्कि पश्तो ज़बान के हवाले से भी, जो हमारी लोकल ज़बानें हैं उनके हवाले से, पश्तो की अहमियत के हवाले से और इसके साथ साथ जो है सराइकी ज़बान के हवाले से जो है वो बातचीत की जाएगी। 4 बजे के करीब मुख्तलिफ जो किताबें हैं उनकी रहनमाई का जो है सेशन भी होगा क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, 11 बजे से इस सेशन का आगाज जो है होना है। अब लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। हम जानेंगे हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच राजा इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। 45 से ज्यादा से इस वक्त और आर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी एजाज फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। हमारे यहाँ उर्दू को बहुत पीछे छोड़ दिया गया है, उर्दू अदब, उर्दू तहजीब, उर्दू ज़बान को तोड़ मरोड़ के बिल्कुल ही हमने ख़राब कर दिया है, क्यों लोग इसकी तरफ नहीं आते हैं? आपने भी इसी बात का जिक्र किया। देखिए उर्दू एक लश्करी ज़बान है, इसका भी जिक्र हुआ अभी, इसको उसमें एक ऐसा नहीं है कि दूसरे अल्फाज का एब्जॉर्प्शन ना हो उसमें, यह सबसे बड़ी खूबी है इसमें। तमाम ज़बानें इस बात पर फ़ख्र करती हैं कि शायद हम अपने अल्फाज को जोड़ कर रखें। ज़बानें हैं जैसा आप बताइए, उर्दू में कौन कौन सी ज़बानें हैं? पर्शियन है, फ्रेंच है, अरबिक है, सारी ज़बानें उर्दू में। जी सारी ज़बानों के अल्फाज ज़बान हमारे, तो इसका तो कमाल यही है। अच्छा फिर जब ये हमारे सेशंस चलते हैं तो तय ये किया गया आज से 2-3 साल पहले कि भाई दूसरी ज़बानों के लिए भी इतने सेशन हम रखते हैं, तो एक एक सेशन अगर दूसरी ज़बान का रख लें, पंजाबी का सेशन रखा,
अरे इतने भरकर लोग, इतनी खुशी हुई, हमने कहा ये तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि ये हम आहंगी के लिए एक जबान इस्तेमाल हो रही है और उसमें हमने उर्दू पंजाबी को सेशन रख दिया, तो बहुत तबीयत खुश हुई। इस दफ़ा पाँचों सूबे के 5 सेशंस अलग अलग रखे हैं, पश्तो है, सिंध पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी है, बलोची है, तो सारे सेशंस अलग अलग होंगे इनके। और उसमें जो आप देखिए उस जबान के लोग जब भरकर आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, तो तबीयत तो हमारी भी खुश होती है कि भाई उनको हम वेलकम करते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको इज्जत देते हैं, वो भी बहुत खुश हो। और उनके जो काबिल लोग होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, अगर उनका सेशन हम नहीं करते तो उनके जो काबिल लोग होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। अब देखिए ना, उर्दू को तरक्की देने में हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू बोलने वालों ने तरक्की दी है, पंजाबी से सबसे ज़्यादा पंजाबी पश्तो बोलने वालों ने उर्दू को, जो हमारे बड़े बड़े शायर उर्दू के निकले हैं वो पंजाब पश्तो स्पीकिंग थे, पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे, अलामा इकबाल, सारे लोग जो थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस बात पर फ़ख्र हो कि हम ही इसके वारिस हैं, दूसरे ज़बान बोलने वालों ने भी उर्दू को बहुत तरक्की दी, बल्कि ज़्यादा तरक्की दी इसमें। तो इस तरह से हम आंगी होती 5-4 दिन जो हमारे हैं उसमें एक एक ऐसा भी वक्त आता है कि इसमें 3-3 सेशन चल रहे होते हैं और 250 मंदोबीन आए हुए हैं, और उसके अलावा 45 से ज़्यादा हमारे यहाँ सेशन टोटल होंगे। तो आप अंदाज़ा लगे कि आजकल जो कॉन्फ्रेंसेस, अगर आपको भी हमें जो मौका मिलता है बाहर जाने का, तो हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ तक में एक सेशन हुआ लंच हो गया, दूसरा सेशन हुआ चाय हो गई, तीसरा सेशन हुआ डिनर हो गया, भाई बड़े एक दूसरे मुबारकबाद दे रहे हैं, भाई 3 सेशन बहुत ज़बरदस्त, अगले दिन फिर 3 सेशन हो गए, तीसरे दिन बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, 9 सेशन के बाद खूब मुबारकबादें दी। मैं उनकी शक्ल देखता था, भाई ये 9 सेशन पर दे रहे हैं, और हमारे यहाँ 40-45 सेशन जब होते हैं और हर सेशन इतना उस लेवल का होता है कि आदमी अगर बैठ कर गौर से उसको अटेंड करे यकसोई के साथ, तो वो जब सेशन ख़त्म होता है तो खुद महसूस करता है कि मैंने कितना गेन किया है। लोग चारों दिन पूरी छुट्टियां लेकर आते हैं और पूरे पूरे सेशन अटेंड करते हैं और पूरी दुनिया से लोग आए, दुनिया से आए हुए, विच इज अमेजिंग। सर, मेरी नज़र में आर्ट्स काउंसिल की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। आप क्या इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट है या ये बिगेस्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है? बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी। कोई और है? 15 साल हो गए, 15 साल से कोई और है जो इस मुल्क में उर्दू को जिंदा रखे हुए? आप अकेले हैं सर? नहीं, मैं अकेला तो खुद को नहीं कहूंगा, right. कोशिशें लोग कर रहे हैं और दूसरे शहरों में भी कोशिश। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम आर्ट्स काउंसिल? हाँ, उर्दू अदबी बोर्ड है और काफी लोग हैं, मगर इस पैमाने पे नहीं है ना सर, जस्ट लेवल पे आप कर रहे हैं। वो तो एक अंडरस्टूड बात है। असल में इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि एक विल होना चाहिए। हमारे जो सदर है अहमद शाह, उनकी एक विल है कि आर्ट्स काउंसिल को उठाना है उसमें। अब उसमें वो दिन रात लगे रहते हैं और उसी वजह से आप देखिए कि फिजिकली भी आप देखिए कि बिल्डिंग हमारी 7 मंजिला खड़ी हो गई कोशिशों से, मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब वो म्यूज़िक फेस्टिवल होता है तो आप देखिए कि कितना शानदार, 3 दिन का हुआ तो इतना शानदार म्यूज़िकल फेस्टिवल हुआ। इसमें भी चाशनी पैदा करने के लिए पहले दिन कल कव्वाली हुई, आज मुशायरा आखिर में होता है, कल मुशायरा है और परसों क्लासिकल डांस प्रोग्राम है, उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो क्लासिकल डांस के। तो कहने का मकसद है कि सारी वैरायटीज आपको रखना पड़ती हैं जिससे कि उसमें जान पड़ती है, लोग आते हैं, उनके अपने अपने एंटरटेनमेंट भी थोड़ा सा जरूरी होता है। बिल्कुल जरूरी होता है। अच्छा, एक ये बताइएगा, हमारे यहाँ आजकल बच्चों में, खास वजह हमारी यंग जनरेशन है, या अगर हमें थोड़ी सी एलीट क्लास की बात करो, हमारे क्यों शर्म महसूस की जाती है, एम्बैरेसमेंट महसूस की जाती है अगर आपको इंग्लिश ना आए, आप उर्दू बोलें? हम ऐसी सोसाइटी में फंस गए हैं कि जहाँ हम ना इंग्लिश सही से बोल पाते हैं, ना हम उर्दू ज़बान का सही से इस्तेमाल कर पाते हैं, हम बीच में लटक के रह गए। हाँ, उनको हमने चूँकि एलीट कहना शुरू कर दिया है तो वो समझते हैं कि भाई इंग्लिश की बुनियाद पर हम एलीट कहा गया, इस वजह से हम इंग्लिश, ऐसा नहीं है। जो लोग अपने घरों में, मेरा अभी इससे पहले डिस्कशन हो रहा था तो मैंने एक मिसाल दी थी कि मेरी पोती कराची ग्राम स्कूल में पढ़ती है, जहाँ आमतौर से यही तस्वर के सब अंग्रेज़ी में बात करें, ठीक है वो बोलते हैं हर वक्त अंग्रेज़ी में। मैं और वाइफ हम दोनों एक बात डिस्कस कर रहे थे तो वो पोती हमारी सुन रही थी, सुनते सुनते अचानक उसने उर्दू में एक शेर कहा जो बिल्कुल उससे फिट हो रहा था, और मेरी वाइफ ने पोती को गले लगा लिया, कहले भी बड़ा आज बड़ी तबीयत खुश होगी। तो कहने का मकसद ऐसा नहीं है, अंदर से होता है, घर का जो माहौल है वो ऐसा होता है जिसकी बुनियाद पर वो
कुछ ना कुछ वो जमक कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और अगर आप माहौल दें उनको मोहब्बत के साथ उर्दू के साथ मकालमे करें तो बच्चे भी चलते हैं, बच्चे घर का वही वाली बात आ गई कि आपको माहौल ऐसा देना पड़ता है कि बच्चे जो हैं वो उसमें कॉन्फिडेंट फील करें कि अगर हम उर्दू बोल रहे हैं हमारी अपनी मादरी जबान है। अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जिन घरों में माँ बाप अंग्रेजी बोलते हैं इंग्लिश तो अच्छी हो जाती है, पर अगर उर्दू बिल्कुल नहीं बोलते तो अल्टीमेटली वो बच्चे आइसोलेट हो जाते हैं। अग्रीड। देखिए ना उसमें कितने लोग होते हैं, दुनिया भर से जो वास्ता पढ़ना है वो तो किसी से उर्दू में पढ़ना है किसी से इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो उनके वो करीब जाने की कोशिश भी नहीं करते और उनकी सलाहियतें एजाज साहब बहुत सारे लोग जब सुनते हैं उर्दू लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि आपको मालूम है यूथ जो है उनकी उर्दू माशाल्लाह बहुत अच्छी है, I'm being sarcastic here, जिसकी वजह से वो शेर व शायरी से दूर हैं, उर्दू जबान से थोड़ा दूर हैं, वो शेक्सपियर को ज़्यादा पढ़ लेते हैं, गालिब से भाग जाते हैं। मेरा सवाल ये कि दिस फेस्टिवल इज नॉट जस्ट अबाउट उर्दू और लिटरेचर, ये हमारे कल्चर और सकाफत को भी उतना ही प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारे तरीक़ेकार हमारी रस्में हमारा डांस हमारा म्यूज़िक हमारा थिएटर हमारी एक्टिंग ये सब हमारा कल्चर ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक हम अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए इस फेस्टिवल को सपोर्ट करें, ना सिर्फ उर्दू या लिटरेचर के खिलाफ, अगर आप डर लगता है उर्दू से लिटरेचर से नो प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तानी कल्चर की खातिर जरूर आए और अटेंड जरूर करें। जी हाँ, कल्चर और लैंग्वेज जो चारों दिन अटेंड करते हैं सेशन, ऐसे लोग हैं जो पूरा छुट्टी लेकर, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, पूरे चारों दिन तमाम सेशन अटेंड करते हैं और जब जा रहे होते हैं तो हमसे लिपड़ लिपड़ कर ये कह रहे होते हैं कि सर हमें मजा आ गया। अब हम जब जाएंगे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि उर्दू की वसत कितनी है और उर्दू असल क्या है, और वो बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, तो फर्क तो बहुत पड़ता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो तमाम लैंग्वेजेस को अपने ने बड़ी खूबी के साथ जम कर लेती है। लश्करी ज़बान है। हिंदी की बात करें तो हिंदी वाले भी जो वर्ड्स हैं अब जो वो लोग हिंदी बोलते हैं वो हमारे उर्दू लैंग्वेज के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुश्किल में फंस गए हिंदी बोलने वाले जो हैं, क्योंकि वो मेरे कई, मैं थोड़ा ऐसा बाहर आ तो मेरे कई दोस्त थे जो कि इंडिया के थे, तो जब मुलाकात होती थी तो वो मैं कहता कि भाई वो बराबर है मेरे मोहल्ले में रहने इंडियन, ज़रा आप उनसे, पिछली दफ़ा भी आप मना करके चले गए थे तो अच्छा नहीं लगता जब मैं जिक्र करता हूँ, वो कहते भाई हमसे क्यों नहीं मिलाया, तो कहता नहीं नहीं मैं आपसे मुलाकात करके चला जाता हूँ, क्योंकि उनका ताल्लुक यूपी से था। अच्छा। कहना भाई वो उनसे मेरा मेल नहीं है, जो ज़बान का असर है वो अट्रैक्शन हमें आपस में है, मैं बस आपसे मिलकर चला जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे। यकीनन यकीनन एजाज साहब बहुत सारे लोग देख रहे होंगे आपको सोच रहे होंगे कि यार ये एंट्री में कितने पैसे लगेंगे। नो पेमेंट, फ्री में, एब्सोल्यूट बिल्कुल जीरो। यार दिस नथिंग लाइक ए फ्री लंच, हम तो ये सुना तो है लेकिन अपने हमारे मुल्क को फ्री का मौका हाथ जाने नहीं देते हैं। आप देखिए रश ऐसा लगा होता है, कल खवाली हो रही थी तो मुझे एक जगह दूसरे जाना था तो मुझे मुश्किल से जगह मिल रही थी, फुली पैक था बिल्कुल, अबू मोहम्मद का था वो कवाली थी उनकी, मजा आ गया था सब लोग, यानी इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। अक्सर लोग पूछते हैं जैसा आपने पूछा, अक्सर लोग पूछते हैं कि इसके टिकट कितना है, उसमें हम कहते हैं बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट ले या हम पेमेंट ले तो फिर क्या मजा रहेगा, फिर कॉन्फ्रेंस थोड़ी कहलाएगी कॉन्फ्रेंस, तो मजा ये तो है कि आप बिल्कुल उसको फ्री लेकर चले। तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से करते हैं फिर सर? ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है। ओके चलें, अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट किसी को तो सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल खुश नसीब है आप सर। देखिए मैं अहमद शाह साहब इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग मुराद अली शाह की मुझे तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि जब वो हमारे चीफ मिनिस्टर दिल पे पत्थर रख के ना करें सर, आप दिल से करें बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो जब आते हैं तो हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है और वो बहुत प्रमोट करते हैं, वो खुद मेरे ख्याल से उर्दू के अदब के शौकीन होंगे। बहुत अच्छे सर, हमारे एक डीसी भटियारी ने 300 करोड़ निकाल के अज़रबैजान में बैठे हैं, एक डीसी नौशरी को है उन्होंने 182 करोड़ निकाले, मैं ये 2-4-5 करोड़ देना इनके लिए क्या प्रॉब्लम। चले खैर आगे बढ़ते हैं, आगा बहिश्ती सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, तो उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। आगा बहिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सलाम वालेकुम, और आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पास काफी इंतखाने की रिपोर्ट होती है, क्या होने वाला है आगे, क्या वाकई असेंबली तहलील हो जाएंगी अगले हफ्ते, सियासत का मैदान एक नए तरीके हमें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायद इमरान खान ने ये फैसला किया है कि KPK और पंजाब की जो असेंबलियां हैं जो तोड़ेंगे और ये टूट जाएंगे और इंतखाबात की तरफ जाएंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है और इस पर हतमी आमल दरामद आप देखेंगे आने वाले जुम्मे तक, आप इसके नताइज सामने आ जाएंगे और भरपूर तरीके से इमरान खान साहब जो है वो मैदान अमल में उतरेंगे,
मुहिम चलाएंगे और अगले इलेक्शन का माहौल बनेगा और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहिश्ती साहब, आप कराची में ना बड़ी कमाल उर्दू लिटरेचर कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको जरूर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेरी उर्दू शायद सही हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, आप आए तो सही दो दिन। अच्छा बिल्कुल आ जाएंगे इंशाल्लाह, वैसे भी इस्लामाबाद में है तो जरूर हम इंशाल्लाह वहां आएंगे। इनका इस्लामाबाद में भी प्लान है करने का, जरूर करीब करेंगे, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तकरीबन फाइनलाइज हो गया था हमारा, मगर वहाँ चूंकि सियासी माहौल इतना गर्म था तो फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि अगर सियासी माहौल बहुत गर्म चला है। भैसी साहब, ये दिसंबर शुरू हो गया है, साल का आखिर चल रहा है, सियासी माहौल के सितारे कैसे देख रहे हैं आप, क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं बहुत जल्द, कब तक इलेक्शन की डेट आ जाएगी? आपको खुद मालूम है, जब मैंने पहली दफा आपके प्रोग्राम पर आया था उसमें मैंने कहा था, पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये रैली निकलेगी और गुजरांवाले से और गुजरात तक ये हालात थोड़े से ठीक नहीं रहेंगे, और इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से हर दफा हमने अपने प्रोग्राम में इस बात की निशानदेही आपके ही प्रोग्राम में बोल न्यूज में कर चुके हैं। अलबत्त अब भी मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक में है। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अदलिया की तरफ से आने वाले वक्त में जो कुछ मुश्किलात की निशानदेही इमरान खान के लिए हो रहा है, और यकीनी तौर पर इससे भी निकलेगा अपनी कानूनी जो जितने जराए हैं खान साहब को इस्तेमाल करना होगा। और मैं आपको बताऊं, मार्च के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, मार्च के बाद इलेक्शन होंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आगा बहिश्ती साहब, वक्त की कमी है, जरूर दोबारा से आपको लेंगे, फिर इंशाल्लाह मुझसे जारी रखेंगे आपके साथ। वक्त की कमी है एजाज साहब, आखिर में आर्ट्स काउंसिल के हवाले से कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो तमाम लोगों को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि हमारा आज का दिन दूसरा दिन है, परसों तीसरा है, फिर संडे को चौथा दिन है, ज़रूर आएँ। और आपको आने के बाद अंदाज़ा होगा कि आर्ट्स काउंसिल क्या खिदमत कर रही है, अपनी नॉलेज में इजाफा करें, उर्दू को बहुत इंजॉय करें, क्योंकि ये ऐसा मौका है जो संडे के बाद फिर अगले साल आएगा। तो अगर आएंगे हमारे लिए, हमारे मेहमान होंगे, हम उनको वेलकम करेंगे, और अपने लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिसकी जो सतह उर्दू की होती है उसमें इजाफा करने के लिए 3 दिन बाकी हैं आज के दिन समेत। आएंगे तो आप बैठने की जगह देंगे ना, रश इतनी है, कुर्सियां नहीं मिलेंगी। हम स्क्रीन लगाते हैं, अगर अंदर मौका नहीं मिलता है तो फिर बाहर मत आओ, गाड़ी में बैठ के देखें। नहीं नहीं, गाड़ी नहीं, बाहर से मुराद ये कि लॉन में हमने पूरा अरेंजमेंट किया होता है। कल जैसे इफ्तिताही तकरीब थी तो उसमें फिर हमने स्क्रीन लगाई हुई थी। थैंक यू सो वेरी मच एजाज फारूकी साहब, वी आर ग्रेटफुल आप आए हमारे शो को चार चांद लगाई। यकीनन उर्दू फेस्टिवल देखने से ताल्लुक रखता है, इंतहाई दीदनी है, तो जरूर जाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, हिस्सा बनिएगा और सपोर्ट कीजिएगा अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। तो मौसम की बात करें तो पाकिस्तान में सर्द मौसम ने सभी को थर थरा दिया है। अब तो लोगों ने फाइनली जैकेट्स ही पहनने के लिए निकाल ली हैं, गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, वेलवेट का सीज़न आ चुका है। और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध का राज बरकरार है, जबकि सिंध के बेशतर अज़ला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 17, लाहौर में 11, इस्लामाबाद में 10, क्वेटा में 2 और पेशावर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ये तो थी वेदर अपडेट, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब वक्त हुआ है विजन 2040 का। हमारे माशरे में सिविक सेंस एक सबसे बड़ा मसला है। इसकी सबसे आम मिसाल हम इस तरह से कह सकते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे होते हैं, या फिर हम कहें या हमारे ही मुल्क से बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हुए तो ट्रैफिक के रूल्स, या फिर हम कहें रोड पर चलने के, सड़क पर फॉलो करने के रूल्स, या फिर कचरा फेंकने वाले रूल्स फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर वो दुबई, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह जैसे शहरों में चले जाएं, तो वहाँ जाके एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन जाते हैं, बहुत ही महजब शहरी बन जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई, अपने ही मुल्क को क्यों गंदा करते हैं? कभी आपने कहीं सुना है कोई शख्स अपने ही घर को गंदा कर रहा हो? लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई बहन हैं, बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि वो करते हैं।
लेकिन अब कमांडर सिटी में एक ऐसा मंसूबा लेकर आए हैं कि जिसके ज़रिए वहाँ जो रिहायशी लोग हैं, जो इख्तियार करने वाले हैं, वहाँ के रिहायशी पजीर लोग हैं, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जाएगा। और ये प्लान क्या है, कैसे मुमकिन है, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि पाकिस्तान में रहते हुए किसी की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जाए और वो इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करे, कि मुमकिन कैसे है, ये जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन रिटायर्ड कमांडर जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कमांडर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आज आप फिर हमारे शो में आए और हमारे शो में आके हमें बताएंगे आपके विजन 2040 के बारे में। जी, तो कमांडर साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे थे अभी के कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये बताएं कमांडर सिटी में रहते हुए आप क्या किसी की कैरेक्टर बिल्डिंग इस तरह से कर सकते हैं कि जो काम वो बाहर शहर में जाके करते हैं वो कमांडर सिटी में ना करें? देखिए, अगर पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो इसको एज अ चैलेंज मैंने इसको इसलिए लिया कि मुझे पता था कि जब मैं ये नई बस्तियाँ बसाऊँगा तो मेरे पास लोग मुख्तलिफ़ लोकेलिटी से आएंगे। True. जाहिर है, तो अब एक शख्स एक ख़ास सिस्टम में अगर वो ट्रेन हुआ हो या रचा बसा हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसे अपने सांचे में ढालना। ठीक, बच्चों को तो आप कर सकते हैं, बड़ों को कैसे करेंगे? तो ये बड़ा मसला था, तो उसके लिए भी हमने एक पूरा प्लान बनाया। ठीक है, उस प्लान में फिर हमने एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, और उस कम्युनिटी सेंटर का जो मकसद है वो असल में करेक्टर बिल्डिंग है। लोग समझ रहे हैं कि मैंने शादी हॉल बनाया। ठीक है, वो खूबसूरत इतना है कि ठीक है शादियां भी वहाँ पे हों, लेकिन जो मेरा मकसद था कम्युनिटी हॉल बनाने का वो ये था कि मैं यहाँ पे लोगों को जमा किया करूँगा और उनकी काउंसलिंग किया करूँगा, या मैं डिफरेंट स्कॉलर्स को बुलाया करूँगा जो उनको लेक्चर दिया करेंगे और हम उनके जहन चेंज करेंगे। जिस तरह नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर I will give you a good nation। ठीक है, मतलब एक अच्छी माँ एक अच्छी कौम बना सकती है। तो फिर हमारी तो माओं को अपने फ़राइज का ही नहीं पता। ठीक है, मेजॉरिटी जो एजुकेटेड नहीं है या इवन जो एजुकेटेड भी जो एजुकेटेड भी हाँ, वहाँ भी चूंकि काउंसलिंग सॉरी टू से काउंसलिंग नहीं है, वहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है लोगों का, जो हम कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल का एक स्टिग्मा बना हुआ एक लेबल आ जाता है वो नहीं है। हमारी ज़्यादातर माओं को नहीं पता कि वो कितनी अहम हैं इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, वो कितनी अहम है। वो समझती हैं कि बस मेरे लिए ये मेरा घर ही अहम है, नहीं, वो इस मुल्क के लिए बहुत अहम है। और ये हमने उनको रियलाइज़ कराना है एक जगह बिठा के। ठीक है, मदर्स के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, फादर्स के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, बच्चों के लिए अलग काउंसलिंग सेशंस, ये सारे हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं जो और ये जरूरी जी, जी, करना। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी इसलिए है कि ठीक है देखें, बच्चे का वक्त ज़्यादा अपने घर में गुजरता है, अगर वो दरसगाह जा भी रहा तो 6 घंटे 8 घंटे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, वापस लौट के घर आना है। लेकिन अगर माँ बाप का रवैया वो देखेगा कि वो नेगेटिव है, बाप झूठ बोल रहा है, ठीक है, माँ जो है वो बदतमीज़ी कर रही है, तो वो क्या सीखेगा? आप लाख उसको अच्छा सिखाएं, लेकिन जो घर से अडॉप्ट करेगा वो कभी भी उसमें वो तब्दीली नहीं आ सकती जो आप चाह रहे हैं। और वैसे ही बच्चा तो देख के सीखता है, सिखाने से ज्यादा। अगर आपको बच्चे को कुछ सिखाना है तो आपको वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वो एक्शंस करने पड़ेंगे ताकि आपका बच्चा। इसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाया है कि हम कम्युनिटी सेंटर में अब वो सेशन शुरू करने चले हैं, दिसंबर के महीने से हम रेगुलर उसको शुरू कर देंगे कि हम ग्रूम करें मदर्स को, फादर्स को, बच्चों को, और उनके फ़राइज़ हम बताएं और फिर उनको मॉनिटर करें, कि क्या वो फ़राइज़ अदा भी कर रहे हैं या नहीं बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से। तो जिस तरह आपने कचरे की बात की है कि बिल्कुल हमारी आदत है कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जो खाया रैपर नीचे फेंक दिया। ठीक है, अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में इतने गाड़ियों से लोग बैठे हुए होते हैं और खिड़की खोली और बाहर सड़क पे कचरा फेंक दिया। लेकिन अगर एज ए कम्युनिटी अगर आप लोगों की काउंसलिंग करके उनको इस तरह से ग्रूम करेंगे कि उनको ये एहसास हो जाए कि देखिए ये एहसास आपने दिलाना है उनको कि वो कितने अहम हैं, वो इस मुल्क के लिए कितने अहम हैं। अगर हमने दुनिया में सुरखरू होना है तो बच्चों को ऊपर लेके आना है, बच्चों की तरबियत में माँ बाप का क्या किरदार है। ठीक, एक मुआशरा किस तरह से
खूबसूरत, जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में हम सफाई देखते हैं, हम कितने इम्प्रेस होते हैं। ठीक है, हम उधर शोर शराबा नहीं देखते, कितना सुकून होता है, हर कोई सरगोशी में करीब बात कर रहा होता है, दूसरा डिस्टर्ब ना हो। हॉर्न देने पे एक्स्ट्रा, अगर आप बिना वजह हॉर्न दें उस पे आपको चालान पड़ जाता है कि विदाउट रीजन आपने हॉर्न क्यों दिया। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो हमारा कल्चर है कि जगह जगह हॉर्न दो, इसको हमने ख़त्म करना है, और वो सिर्फ उसी सूरत में हम ख़त्म कर सकते हैं कि हम प्रॉपर एक प्रोग्राम के तहत लोगों की काउंसलिंग करें। तो ये हमने अपने उस ट्रेनिंग में शामिल किया है, और इंशाल्लाह हमारा जो कम्युनिटी हॉल है वो उस पर उसमें इस तरह के सेशन शुरू हो जाएंगे। और अगर हम रियासत मदीना की बात करते हैं, देखिए वहाँ पे मसाजिद हुआ करती थी, ये हमने मसाजिद को नमाज की जगह बना दिया। देखिए मसाजिद में जंग की प्लानिंग सारी, वहाँ को हेडक्वार्टर अलग तो नहीं था, वहीं पे जंग की प्लानिंग होती थी, वहीं पे शादियां हो, निकाह होते थे, वहीं पे बड़े बड़े फैसले इंसाफ के होते थे, वहीं फरियादी आते थे, वहीं इंसाफ दिया जाता था। तो ठीक है, अब मसाजिद में हम शुरू करेंगे तो कल को मुल्ला पीछे पड़ जाएंगे, तो मुझे फिर अलग से एक कम्युनिटी सेंटर बना लिया कि चले हम कम्युनिटी सेंटर में वो सारे सेशंस करें, वहाँ पे लोगों को जमा करें, वहाँ पे उनको ग्रूम करें, और इंशाल्लाह ये जो सिस्टम है हमारा हर जगह हर शहर में जहाँ भी कमांडर सिटी आएगा, ये बच्चों की बड़ों की औरतों की ग्रूमिंग जो है वो प्रॉपर सिस्टम के तहत हम कर रहे हैं। हम खुद भी वहाँ पे लेक्चर देंगे, मैं खुद भी वहाँ पे लेक्चर दूँगा, और हम जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है कि किस किस स्कॉलर को किस किस मौके पे हमने बुलाना है और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं। और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 6 महीने साल 2 साल के बाद लोगों के जहन बदल जाएंगे। ठीक है, वो वक्त होगा असल तब्दीली का, जब लोगों के जहन बदलेंगे, जब लोगों की सोच बदलेगी। देखें हमारा एक बच्चा तालिबान की मिसाल मैं दे रहा हूँ कि लोगों ने उन पे इतना उनको नेगेटिविटी की तरफ ले गए कि वो बम बांध के उड़ा देता है अपने आप को। देखिए ये मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन है, किसी ने उनको मोटिवेट कर दिया वो गलत तरफ कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप यही मोटिवेशन, ये जो पावर ऑफ मोटिवेशन है, इसको पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करेंगे तो लोग तो फिर बहुत कुछ कर जाएंगे इस मुल्क के लिए, और ये मुल्क ऐसी जगह पहुंचा देंगे इस मुल्क को कि दुनिया हैरान रह जाएगी ये कौन सी कौम निकल आई है। कमांडर साहब, आपकी नज़र में इसी मुआशरे के लोगों की, किसी कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए करेक्टर के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना, करेक्टर के बगैर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखें तुम में बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। ठीक है, हमारे अपने मजहब में भी बेहतरीन इंसान वो नहीं जो नमाज ज़्यादा पढ़ता हो, जो सजदे ज़्यादा कर दो, जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों, ये करैक्टर है ना। ठीक है, करैक्टर नहीं है तो हर इबादत रायगा। ठीक है, अच्छा इंसान रब को चाहिए। ठीक है, अच्छा इंसान अगर नहीं आप बन सके अच्छे इंसान, और आप सारी उम्र नमाजें पढ़ रहे हैं, आप 10-10 हज कर लिए, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, तो रब को ये नहीं चाहिए। ठीक है, इंसानियत सबसे अहम है। ठीक है, किरदार साजी सबसे अहम है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे बहुत जोर दिया। और रियासत मदीना में जो हम कहते हैं कि ये निज़ाम था वो निज़ाम था, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता था, तो वो सारा इसीलिए था कि वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निज़ाम पे काम किया, इंसाफ के निज़ाम पे काम किया, लोगों को ग्रूम किया, उनको मोटिवेट किया, उनकी काउंसलिंग की, और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन दुनिया के बन गए। ठीक है ना, तो ये करैक्टर तो बहुत हैं, करैक्टर के बगैर कौम ही नहीं है, वो तो हुजूम है ना, वो तो हुजूम है अगर करैक्टर नहीं है। और ये भी देखें, दुनिया में सारे इंसान रब ने तो एक जैसे पैदा किए हैं ना। अब जहाँ एक सिस्टम के तहत आपने लोगों के करैक्टर बना लिए, उनको किसी अच्छी पॉजिटिविटी की तरफ ले गए, वो कौमें बन गई और दुनिया पे वो छा गई। और जहाँ ऐसा नहीं हुआ वहाँ फिर जंगल का कानून बना रहा, जो 75 साल से हम देख रहे हैं, कि हम मीडिया पे टीवी भी ऑन करते हैं। देखें मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है ना, जो करैक्टर बिल्डिंग में आप पॉजिटिविटी लेके आए,
आप वो चीजें क्यों दिखा रहे हैं कि घर में डिप्रेशन बढ़ रहा है, उस तरह से आपको ये अना निकाल देना, जी जी, ईगो एक हमारे अंदर अग्रेशन है उसको निकाल दे, यकीन जाने हम पाकिस्तान जो सबसे खूबसूरत कंट्री हो जाएगा रहने के लिए। हमारी दुआ है कि जो आपका विजन 2040 है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग आप करना चाह रहे हैं लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, वो इंशाल्लाह एक दिन जरूर रंग लाएगी, इंशाल्लाह। और कराची के तमाम लोग इंशाल्लाह कवाना सिटी में रहने के ख्वाहिशमंद होंगे, ख्वाहिशमंदेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे, इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कवाना साहब, एक बार फिर हमारे शो पे आए, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा कवाना सिटी का पूरा जो एक विजन 2040 है। और अगर आप भी रहना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही जाइए वहाँ पे, विजिट कीजिए और अपने लिए एक घर या अपना प्लॉट अपनी फैमिली के लिए बुक करवाइए। और इसी के साथ ही आज का शो होता है खत्म, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना, और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर वन पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।